बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एच बी पर जॉब सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ फ्रेंड। तो ये असिस्टेंट बी पी एस 16 के पास पेपर के सवाल है जो कि ईटा के जरिए हुए थे, और ये इसका पार्ट 11 है। 10 पार्ट्स इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि व्हाट वाज द एज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लम एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वही, यानी पहली वही के वक्त हज़रत सल्लम की उम्र कितनी साल थी? 40 साल 6 महीने थी। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि ओल्ड नेम ऑफ इथियोपिया, इथियोपिया का पुराना नेम क्या है? तो इसका जो है अबासिनिया है। ऑप्शन ए इसमें भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि ऑरेंज रिवर इज़ लोकेटेड इन, ऑरेंज रिवर जो है ये कहाँ पर है? तो ये साउथ अफ्रीका में है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि हाउ मेनी वर्सेस इन सूरह अल बकरा, सूरह अल बकरा में कितने आयात हैं? तो इसमें 286 आयात है। ये कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि फर्स्ट टाइम इन विच लैंग्वेज कुरान वाज ट्रांसलेटेड, सबसे पहले जो है कुरान पाक का तर्जमा किस जुबान में हुआ था? तो ये पर्शियन था, जिसे फारसी कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की दारुलहुकूमत का नाम क्या है? कोलंबो है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से कब अलहदा हुआ? तो ये 1971 को हुआ। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि विच फ्राम द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट बॉर्डर्ड बाई पाकिस्तान, पाकिस्तान का किस मुल्क के साथ बॉर्डर नहीं है? इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, ईरान के साथ भी है। पाकिस्तान की बॉर्डर जो है 4 मुल्कों के साथ है, जो कि ऊपर नेम का तस्करा कर चुका हूँ। बांग्लादेश के साथ उसका बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड आउट इन देश हिजरी, सबसे पहले अजान जो है ये 1 हिजरी को हुआ था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, यानी अब्रिवेशन इसका क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि अलमा इकबाल 9 नवंबर देश को पैदा हुए, 9 नवंबर 1870, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि ईद प्रेयर इज, ईद प्रेयर जो है ये क्या है? ईद नमाज जो है ये क्या है? ये वाजिब है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ताजमहल इज़ लोकेटेड इन, ताजमहल जो है ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि अलम इकबाल की कौन सी किताब इनकी वफ़ात के बाद शाया हुई? तो अलम इकबाल की अरमान हिजाज जो है ये अलम इकबाल की वफ़ात के बाद शाया हुई। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिल्क रोड कनेक्ट विच टू कंट्री, सिल्क रोड जिसे शहराए रेशम कहते हैं ये पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाती है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज, सबसे पहले जो चार्टर हुआ था तो ये कौन सा था? ये खुतबा हिज्जतुल विदा था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप जो है कितनी मरतबा जीता है? तो 4 मरतबा जीता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द फर्स्ट मॉस्क इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम में सबसे पहले मस्जिद जो है कौन सा तामीर हुआ था? तो ये मस्जिद कुबा है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द जेल सिस्टम, जेल का निज़ाम जो है ये किस सहाबी ने बनाया था? तो ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अलेक्जेंड्रिया इज़ द सी पार्ट ऑफ, अलेक्जेंड्रिया जो है ये इजिप्ट यानी मिस्र का क्या है? सी पार्ट है, बंदरगाह है। क्वेश्चन ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? इंडस है। और सबसे छोटा दरिया जो है ये रावी है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था पेपर, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। इसके अलावा अगर किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसकी कुछ पेमेंट है वो आप अदा करेंगे तो हम आप सबको पीडीएफ फॉर्म में भी सारे फाइल दे देंगे। हमारे साथ रहें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।